दोस्तों, वॉर की वजह से जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है वो 1 महीने के ऊपर जा चुका है। लगभग 40-45 डेज हो गए कुछ अप्रोक्स, और स्टिल ये कंटिन्यू है। ऊपर से यूएस और अदर कंट्रीज जो है वेस्टर्न कंट्रीज, वो कंटिन्यूसली रशिया पे सेंशंस लगा रहे हैं। लेकिन इसका दोस्तों जो है वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर कुछ लोगों को लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो दो बहुत ही सिंपल आंसर है। एक तो जो चीज़ें रशिया बनाता है वो कम हो रही है, और उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ रही है। ऐसा क्या चीज़ बनाता है रशिया? रशिया बनाता है ऑयल एंड गैसेस। बहुत बड़ा, यानी वर्ल्ड का सबसे, बोल सकते हो सबसे, 3 नंबर पे कुछ आता है ये। सबसे बड़े जो 3 लोग हैं उनमें तीसरे नंबर पर आता है रशिया एक्सपोर्ट्स में ऑयल एंड गैसेस। पूरा यूरोप को जो है वो रशिया गैस देता है, और अभी यूरोस यूरो यूरो जो यूरोप है उसके सबसे बड़े पंगे चल रहे हैं। लेकिन उसके चलते हुए यहाँ इंडिया में ओएनजीसी में भाई 60% का अपसाइड क्यों देखा जा रहा है? कहीं ना कहीं लॉजिक लगाने की बात जरूर है दोस्तों। यहाँ पर दो कंपनीज है ओएनजीसी में, इसलिए लेकर के लाया हूँ क्योंकि ये फिलहाल सस्ती है, पॉकेट में बजट में आती है, और काफ़ी बढ़िया शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। कंपैरेटिवली रिलायंस, रिलायंस 2,500 के आसपास ट्रेड होता है, तो यहाँ पे उसके एक शेयर में यहाँ पे 10 शेयर आ जाएंगे आपके। तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, और कंपनी का अपसाइड भी काफ़ी ज़्यादा है रिलायंस के कंपैरिजन में। अब मैं अगर बात करूँ ओएनजीसी में भाई पंगा क्या है, मतलब हो क्या रहा है, क्यों ओएनजीसी बढ़ेगा, तो लॉजिक समझाने के लिए मैं आपको आर्टिकल पर लेकर के चलता हूँ। आर्टिकल दिखाता हूँ, फिर आगे जो है वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि क्या और किस तरह से यहाँ पर जो है वो बातें हो सकती हैं। आर्टिकल पर चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल देखिएगा, यहाँ पर जी बिजनेस का आर्टिकल है दोस्तों। यहाँ पर आप देखते हो 60% अपसाइड, लेकिन क्यों? उसका बहुत ही बढ़िया रीजन है, वो मैं आपको पहले डिटेल में समझा दूँ। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है ना, रशिया जो है वो जैसे मैंने कहा यूरोप के साथ में काफ़ी बड़े कंट्रीज हैं, दुनिया में काफ़ी ज़्यादा देशों को ये अपना ऑयल और गैस बेचता है। अब रशिया पे लग चुके हैं सेंक्शंस, तो रशिया जो है वो बाहर ऑयल नहीं बेच पा रहा है ओपन मार्केट में, लेकिन इंडिया फिलहाल वहाँ से ऑयल खरीद रहा है, वो एक अलग बात है। बट उसके चलते अभी बाकी सारे जो कंट्रीज है जैसे यूएस जो है या पूरा यूरोप जो है, अभी सेंक्शंस के चलते हुए यूएस खुद यहाँ पे 41% का ऑयल खरीद चुका है। हाँ, अब यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तों कि ओएनजीसी और रिलायंस क्यों आगे बढ़ेगा। देखिए, बाकी अगर मेजर कंट्रीज को छोड़ें, छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं वो यूएस के सेंक्शंस के अगेंस्ट नहीं जा सकती, तो जो रशिया से ऑयल खरीद रही हैं, तो वो क्या अभी फिलहाल इंडिया की तरफ देख रही हैं कि इंडिया इनको सस्ते में ऑयल बना के दे सकता है। और इसके चलते दो चीज़ें होती है, एक तो होता है हमारा केरोसिन, दूसरा होता है जेट फ्यूल। इनके चलते ये ऑयल की डिमांड, ये गैसेस की डिमांड है वो मेजर स्केल पे बढ़ रही है। तो इसके चलते जो है ना दोस्तों, ओएनजीसी में और रिलायंस में, इन दोनों कंपनी के ऊपर मेजर प्रेशर है ये जो है वो ऑयल निकालने का, उसे प्यूरिफाई करने का, और इन सारे कंट्रीज को सप्लाई करने का। साथ ही साथ में इंडिया के अंदर को भी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या ना, डिमांड एंड सप्लाई का गैप है दोस्तों। डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई होने वाला है बहुत ही कम, तो ऑयल के प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और जब प्राइजेस बढ़ेंगे ना दोस्तों, तो जो ऑयल बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे मैंने O2C की बात की, यानी रिलायंस की बात की, ONGC की बात की, इनके बेनिफिट्स, इनके प्रॉफिट जो है ना दोस्तों, वो बहुत तगड़े लेवल पर बढ़ने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि रिलायंस का जो प्रॉफिट है वो लगभग कुछ 11 बिलियन के आसपास बढ़ सकता है, और उससे भी ज़्यादा जो है वो ONGC का प्रॉफिट बढ़ सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इसी के ऊपर एक न्यूज़ भी आपको सुना चुका हूँ, उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर एक बार जाके हमारा वो न्यूज़ वाला सेक्शन, जो न्यूज़ वाले वीडियो हम लोग डालते हैं वो ज़रूर देखिएगा। 10 से 15 न्यूज़ हम लोग आपको सिर्फ 5 या 6 मिनट के अंदर बता देते हैं, जिससे फ़ायदा आपको हो सकता है अपडेटेड रहने में और साथ ही साथ में स्टॉक के डिसीजन लेने में। अब यहाँ पे बात की तो आप उम्मीद की रखिएगा, यहाँ पर जो है ना ONGC का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी बढ़िया CAGR देखने को मिल सकता है, 3.3:1 के हिसाब से, और यहाँ पे 6:0.5% के हिसाब से। तो ये अगर हम लोग आगे चल करके 9 और 10 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं, और 10 के भी आगे, यानी 14-15 के आसपास देखने को मिल सकते हैं, तो
यहाँ पर चौंकिएगा मत, क्योंकि देखिए डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इस प्रोडक्शन में जितनी भी कंपनीज है वो पैसा छापेंगी ज़रूर। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट मैं ये करूँगा कि अगर ONGC के स्टॉक अभी भी खरीदे नहीं है तो खरीदिएगा, रीजन देखिएगा बता रहा हूँ आगे चल करके। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक 170 पे है, 3.88 के आसपास गिर चुका है, यानी 3.80 रुपये से गिरा हुआ है, माफी चाहिएगा, 2 करोड़ लगभग 2.5 करोड़ स्टॉक्स ट्रेड हुए थे, उसमें से 1 करोड़ 25 लाख उठाए गए हैं, यानी 50% के ऊपर का माल ONGC में उठाया गया है, छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन चुका है इसके प्राइजेस का, और प्राइस थोड़ी हल्की सी यहाँ पर वीक होती हुई दिखाई दे रही है, डिविडेंड दे चुका है 1.75 रुपये, और स्टॉक थोड़ा वीक हो गया है, वॉल्यूम काफी बढ़िया था, देखिएगा इस वॉल्यूम के साथ प्राइस अगर वीक हो रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ी और भी नीचे आएगी प्राइस, एक्सपेक्टेशन है 165 के आसपास ये कल प्राइस आ सकता है, और उसके बाद में डिसीजन होगा, अगर प्राइस अपसाइड निकल जाता है तो बहुत तगड़ा ऊपर जाएगा, यानी कम से कम 200 के आसपास, और यहाँ पे और थोड़ा वीक होता है तो मेरे ख्याल से ये वापस से जो ट्रिपल बॉटम बना चुका है ऑलरेडी यहाँ पर। और अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मैं और भी एक बात बता दूँ, दूसरा चार्ट ट्रायंगल भी यहाँ पर एक बन रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना तो वो भी आपको बता दूँ, इसे कहते हैं डबल बॉटम, ये डबल बॉटम बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो रीजन है आपकी, यहाँ पर आपको अगर बढ़ाना है ये स्टॉक को तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको इसके जो टारगेट्स हैं या फिर इसके जो बॉटम्स हैं, जो स्टॉप लॉसेस है वो आपको इस वीडियो के बाद में आपको दे दूंगा, हमारा जो कम्युनिटी टैब है या फिर हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ पर हम लोग हमेशा पोस्ट करते हैं, कोई भी स्टॉक के बारे में बात करें तो उसके टारगेट और स्टॉप लॉसेस जो है बाइंग प्राइस के साथ में हम लोग आपको दे देते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर आप जुड़िएगा ज़रूर। स्टॉक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर टेलीग्राम से जुड़े नहीं है तो जुड़िएगा जरूर। तो दोस्तों ये था वीडियो ONGC के बारे में, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल का नाम है इन्फो बेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।